जेनिफर ने लगाया असित मोदी पर इल्जाम, बेकार की अफवाह से नील हुए खफा। तो इस हफ्ते की सारी बड़ी खबरों ने दिया आपको 440 वोल्ट का झटका। डाले एक नज़र हफ्ते की 10 कंट्रोवर्शियल खबरें हमारे स्पेशल सेगमेंट टैली रैप के साथ। हाल ही में एक इवेंट के दौरान नील हुए खफा, क्या हुआ डाले उस वीडियो पर एक नज़र। कौन बता रहा है, किसने बोला है? जानकारी निकल कर आ गई कि आप भी उनके साथ आए, बिग बॉस करें। गुड फॉर यू, आप अपने सूत्रों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा इस चीज को, आई कांट गिव क्रेडिबिलिटी टू एनीथिंग। लेकिन फ्यूचर में अगर आप दोनों को बुलाया जाए? मैं ऐश्वर्या के साथ कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, मेरी बीवी है, पर अभी फिलहाल मैं गुमे किसी के प्यार में कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। जेनिफर मिस्त्री ने एक वीडियो शेयर कर इनडायरेक्टली असित मोदी पर पलटवार किया है। क्या है उस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए। मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में, खुदा गवाह है कि सच क्या है, खुदा गवाह है कि सच क्या है। याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। खतरों के लिए उड़ चली अंजलि और ऑनलाइन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, आई थिंक मैं पक गई हूँ सब बॉडी, ये वो कितना बोलेंगे यार, बस हो गया। मुझे पता है मेरे पास शीशा है, पर मैं फिर भी सब कर रही हूँ। आप घर पे बैठ के टाइपिंग कर रहे हो, आप कुछ करो अपनी लाइफ के बारे में, मैं बहुत खुश हूँ। सो आई थिंक इट्स नथिंग, अभी ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, टीवी कर लिया, फिल्म कर लिया, वेब कर लिया, स्टंट्स कर लिया, अभी स्टंट्स भी करूँगी। अब बोलो क्या नहीं कर सकते, बस। अरे आई एम वेरी एक्साइटेड यार, इफ यू नो मी यू नो हाउ मच आई लव हिज फिल्म्स एंड गोलमाल एंड एवरीथिंग। मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा दिन इन डायलॉग्स पे हंसते रहते हैं। तो इट विल बी फन टू मीट द गाय हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दैट एंड ऑल द फिल्म्स दैट आई लव। सो थैंक यू, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। बड़े अच्छे लगते हैं टू शुरू होते ही ऑफ एयर होने वाला है। ऐसे में शो की मेन लीड नीति टेलर ने खुद को एक्सप्रेस करते हुए एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए कहा, जब मुझे बताया गया कि हमारे ट्रैक खत्म हो रहे हैं और अब एक नया सीजन होगा, तो मैं शॉक्ड हो गई। एक मिनट तक मैं कुछ कह नहीं सकी, एक दिन ठीक से काम नहीं कर पाई। मैं मानती हूँ कि लीप के बाद शो दर्शकों से जुड़ नहीं पाया, लेकिन ये कभी भी सिर्फ एक एक्टर की गलती नहीं है, ये पूरी टीम है और शायद स्क्रिप्ट लेवल पर शो ने काम नहीं किया। कुछ दिन पहले जहां हिमांशी ने एक ट्वीट किया था जिससे लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि आसिम हिमांशी का ब्रेकअप हो गया है, वहीं अब हिमांशी का एक और पोस्ट काफी वायरल हो रहा है और अब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि हिमांशी और आसिम के बीच सब ठीक है या हिमांशी मूव ऑन कर रही है। सबा इब्राहिम ने एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को बताया कि उनका मिसकैरेज हो गया क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी। इस मुश्किल वक्त में सबा के हस्बैंड खालिद उनका हौसला और उनका ख्याल बड़े ही प्यार से रख रहे हैं। अब्दुल रोजिक का धन सुन उड़े भारती के होश। दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड यार, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। ये हमारे मेहमान, इनको प्यार दो, इनका बहुत कुछ दो, बहुत काम करें यहाँ पे, ताकि हमारे इंडिया में यहाँ के इंडिया में बहुत काम है और ये गेस्ट है हमारे। तेजस्वी प्रकाश हाल ही में स्पॉटेड हुई जहां सड़क के कुछ बच्चों ने उन्हें घेर लिया, उसके बाद तेजस्वी ने क्या किया आप खुद ही देख लीजिए। मैडम थामा ना जरा, अंदर जाके थामा ना, एक मिनट, एक मिनट थामा ना। टीम 07 के एक मेंबर के बारे में अदनान शेख ने क्या कहा जिसे सुनकर मिस्टर फैजू के होश उड़ गए। बहुत अच्छा प्लान है, बहुत सारी चीजें लाइन में। अगर एक बंदा चाहे तो सब मिल जाते, एक बंदा खाली थोड़ा सा सो के बराबर टाइम पे उड़ गया है। सब जानते हैं कौन है जो सोते रहता है, जो राज कर रहा है लड़कियों के, हसनैन खान।
बिग बॉस 16 में सुम्बुल और शालिन के बीच कई बार तूतू मैं हमने देखी। दोनों अच्छे दोस्त बनकर जानी दुश्मन बन गए थे, पर अब एक साथ काम करने पर सुम्बुल ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं मेरे को नहीं आइडिया। I have no idea. It just, मुझे सोचने में टाइम लगेगा अभी कि मतलब ये आंसर क्या देना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी आप बता रहे हो, मुझे कुछ नहीं बोलना। वेल, किस खबर ने उड़ाए आपके होश, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।